पूरे देश में लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है और सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में लगी हुई है और जनता को लुभाने की कोशिशें की जा रही हैं। लोकसभा चुनाव 2019 में लगभग 90 करोड़ मतदाता 10 लाख पोलिंग बूथों पर अपने मत का उपयोग करेंगे और इनमें से 1.5 करोड़ ऐसे युवा होंगे जो पहली बार मत देकर सत्ता बनने में अपना योगदान देंगे। ठीक 5 साल पहले 2014 में मोदी लहर के साथ भाजपा ने प्रचंड बहुमत से सत्ता की कमान संभाली थी। मोदी सरकार ने कई ऐसे फैसले लिए जो जनता द्वारा पसंद किए गए और कुछ ऐसे भी फैसले थे जिन्हें जनता ने नकार दिया। विधानसभा चुनाव से कांग्रेस ने सत्ता में अपनी वापसी की और जनता से कई लुभावने वादे किए। कुछ वादे पूरे भी किए गए और भाजपा की तरह ही कांग्रेस के भी कुछ ऐसे काम थे जिन्हें जनता ने सराहा और कुछ ऐसे काम थे जो जनता द्वारा नकार दिए गए और इसी बीच में दोनों पार्टियां एक दूसरे का विरोध करती हुई भी नजर आई। लेकिन लोकसभा चुनाव 2019 ये तय करेगा कि किसकी सरकार बनती है, कौन सत्ता में आता है और केंद्र में अपनी सरकार कौन बनाता है, तो ये तय करेगा आपका मत। तो आप अपने मत का उपयोग जरूर करें और ऐसे व्यक्ति को चुने जो देश को सही दिशा की ओर ले जाता है। तो आप अपने मतदान का उपयोग जरूर करें। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।